बनाईशु वीडियो अने एमां जोईशु के बीजे सत्रनी अंदर आपणे पाठ छे के 700 पाठ 9 छे के 700 हिंदीनी अंदर हवे आ पाठनी अंदर तमे जोशो के तमारे आ पाठमां एक बीजू अंकल छे एटले हुं तमने हिंदीमां समजावुं बरोबर एक बीजू चाचा है वो बीजू चाचा अपने खेत में काम कर रहे थे और वो काम करने से उनके वहां पर खेत में जो काम करते थे वो काम में थक गए तो वे पेड़ के नीचे जाके सो जाते हैं और पेड़ के नीचे जैसे ही सो जाते हैं वैसे ही वो जब खेत की वो सब्जियां थी ना वो सब आपस में मिलकर बात करती है और वो बात करती है कि अपने अपने गुणों को बताती है जैसे आलू है वो बोलता है कि मैं तो यहाँ का सरदार हूँ मेरी सब्जी तो बहुत अच्छी बनती है और बच्चों को ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है और बच्चों ये आलू की सब्जी तो कोई भी हो जैसे चिप्स बटेके की फिर उसके वेफर होती है उसकी जो सब्जी बनती है उसके आलू बनते हैं और क्या टिकिया बनती है वो सब उनको अच्छी लगती है उसी प्रकार वहाँ पर एक करेला आता है करेला बोलता है कि मेरे भी गुण अच्छे हैं तो करेला करेला का बोलते हैं धीरे 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 से बच्चे दूर भागते हैं फिर गाजर आता है गाजर कहता है मेरा तो हलवा बनता है मेरे तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है और बच्चों को बहुत प्यारी लगती है फिर भी वो बोलता है कि नहीं तुम मुझे उसी बार वो बैंगन आता है बैंगन बोलता है मैं तो सरताज हूँ सब लोग मेरे सब्जी में बहुत अच्छी लगती है वहाँ पर आता है लहसुन आता है सब भाजी आती है मिर्ची आती है वो सब बोलते हैं कि मेरे सिवा तो स्वाद आता ही नहीं है और उसी प्रकार सब सब्जियों को अपना अपना गुण बताते हैं और कहते हैं कि मेरे पर ये है तो हम ये पाठ में सब समझेंगे और उसकी जो गुणकारक है और सर्वश्रेष्ठ है वो हम सुनेंगे देखो यहाँ पर मैं आपको किताब दिखा रही हूँ किताब में पाठ है 9 देखो कैसा सो इसमें ये चित्र दिखाई दिया रहे थे ये चित्र है इसमें ये है बिरजू चाचा और वो सो गए हैं वो पेड़ के नीचे सोए हुए हैं उसी प्रकार यानी मध्याह्न यानी दोपहर का समय था इसलिए वो सो गए थे और ये सोने के कारण सब सब्जियां बाहर आती है ये बात करते हैं जैसे हम लोग ये पाठ अब समझेंगे बिरजू चाचा अपने खेत में काम कर रहे थे उसी प्रकार सब सब्जियां बोई हुई थी बोई मतलब कोई भी बीज होता है वो जमीन में डालते हैं और वो बीज बोने की जो बोलते हैं बाबू एम वो बीज बोने से जो पेड़ के पौधे सब उगते हैं वैसा हुआ था और बीज अंदर अपने खेत में सारी सब्जियां बोई थी यानी सब सब्जियां उगाई थी वह भी हती अब उसे उस समय दोपहर का समय था इसीलिए वो सो गए जाके और सो के जैसे सोए पेड़ के नीचे छाया में सो गए यानी नींद उनको लेटे थे सोने नहीं गए थे लेकिन आराम करने गए थे उनको नींद आ गई तो वो सो गए उसी समय सब खेत की सब्जियां देखी कि वो चाचा तो सो गए चलो हम लोग जाते हैं बाहर और एक एक सब इकट्ठी हुई यानी सब साथ में फेंकी हुई और वो खेलते खेलते नौजोक करने नौजोक मतलब एक दूसरे से उग्र चर्चा कर हम लोग ऐसे करते हैं नहीं तेरी किताब ऐसी है मेरी किताब ऐसी है मेरे अक्षर ऐसे है तुम्हारे लिए ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा हम लोग सब साथ में दोस्त साथ में रहते हैं दोस्त हम ऐसे बोलते हैं वैसे नौजोक करने लगे उसी नौजोक में आलू ने कहा आलू मतलब आलू ने कहा अरे अरे मैं सब्जियों में सरताज हूँ सरताज मतलब सर्वश्रेष्ठ मेरा खूब अच्छा नाम है और सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है वैसा तो हो नहीं सकता लेकिन उसी तरह बच्चों बूढ़ों सबको मेरा अच्छा लगता है नहीं नहीं इसमें चाट चिप्स टिकिया और मजेदार सब सारी चीज बनती है और वो मजेदार चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है उसी प्रकार वहां आया कौन आया देखो 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 कौन आ रहा है वो आ रहा है जैसे क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं देखो तो ये क्या है मीठी मीठी चीज आती है आप शिवरात्रि के दिन खाते हैं उसे क्या बोलते हैं देखो आप ही बोलिए उसे क्या बोलते हैं शकरकंद क्या बोलते हैं शकरकंद और गुजराती में उसे बोलते हैं शक्करिया उन्होंने कहा अरे अरे मैं तो आलू का मित्र हूँ क्या बोले कि मैं तो आलू का मित्र हूँ और आलू का मित्र होना मेरा तो कितना अच्छा है कि मुझे तो लोग बहुत पसंद करते हैं क्या है शकरकंद है तो वो पसंद करेंगे हाँ और शकरकंद ने कहा कि मेरी तो बहुत अच्छे लोग पसंद करते हैं उसी टाइम वो क्या आया मटर आए मटर ऐसे दाने कैसे रहते हैं मटर के दाने तो अच्छे लगते हैं तो बोलते मटर आए मटर ने कहा देखो उछल उछल कर उसके दाने सभी उछलने लगे और बोलने लगे
कचौरी में तो मैं ही आता हूँ। आप समोसा खाते हो, कचौरी खाते हो ना, उसमें जो मटर बनते हैं उसी का नाम किया गया है। और उसी समय वो लौकी आई। लौकी यानी आपको लौकी अच्छी लगती है, खाते हो घर में क्या? मम्मी बनाती है लौकी की सब्जी। हाँ, लेकिन लौकी की सब्जी के लिए आपको हलवा भी अच्छा लगता होगा, है ना? हाँ, हलवा तो बहुत पसंद है सबको। ठीक है, चलो मम्मी को बोलना कि हलवा बना दे। हाँ, उसी समय वो लौकी आ गई और लौकी के साथ गाजर। गाजर तो मुँह में पानी आया लगता है सब में। अच्छा है, चलो मुँह में पानी आ गया। हाँ, तो गाजर का भी हलवा बनता है और रायता, कोफ्ते, हलवा हमारे बिना कोई नहीं सकता। लौकी और उसने क्या कहा गाजर ने कि हमारे बगैर हलवा और तो बन ही नहीं सकता है। हाँ, वो तो बात सही है। हाँ, काटते हुए का हलवा तो मेरा भी बनता है और मेरा रंग तो देखो कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। और गाजर तो क्या बोलता है, अपना आप कुछ और ही बढ़ाई करता है। क्या बोलता है कि हाँ मेरा रंग तो देखो, मेरा रंग तो देखो, उसका हलवा कितना अच्छा बनता है। हाँ, सुनते ही पानी आ गया, मुझे खाने में स्वस्थ रहते हैं यह सुनकर गोभी आ गई है। गोभी आलू के लिए हलवा पूरी आ गई है। पूरी सब्जी अलग कच्चू पर स्वाद में भी मैं पड़ता हूँ। कौन बोला? मिर्ची। और मिर्ची पीछे से बोली, ये देखो, वो कहने लगी सभी चुप हो जाओ, मेरे बिना तो स्वाद ही नहीं आएगा। मिर्ची ने क्या कहा, जैसे हलवा बनेगा गाजर ने बोला उसी प्रकार गोभी बोली, मेरा तो कच्चू पर बनता है और बहुत सारे आलू के लिए मैं उपयोगी हूँ। उसी टाइम मिर्ची ऐसे कूद कूद के आई और बोलने लगी, ये मेरे बिना तो ये भी स्वाद नहीं आता है, सब चुप हो जाओ, मेरे बिना आपकी कोई कीमत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, मेरे बिना आपकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा उसने बोल दिया। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी लगती है। फीकी मतलब स्वाद ही नहीं। हाँ, आप देखो कुछ भी खाना हो ऐसे फीका फीका अच्छा लगता है? नहीं मम्मी, थोड़ा मिर्चा डालो तो अच्छा लगता है, चटपटा हो तो अच्छा लगता है। आप बोलते हो ना, वैसे सलाद बना रहे हो तो भी उसमें मिर्चा नहीं होता, फीकी फीकी मीठी मीठी चीज के साथ आप खाएंगे, लेकिन मिर्ची तो चाहिए ही। मिर्ची तो हर आप लोग पसंद करते, चलो अच्छा हलवा बनाए कुछ भी, लेकिन साग सब्जी हो उसमें मीठा हो तो ऐसे नहीं अच्छा लगता। फिर मिर्ची हो तो फीकी फीकी नहीं लगता, स्वादिष्ट नहीं होता। और स्वाद के लिए मिर्ची तो चाहिए ही, इसीलिए उसने स्वादिष्ट नहीं, मेरे बिना सब कुछ स्वादिष्ट हो जाता है, ऐसा मिर्चा ने बोल दिया। और इसी प्रकार वहाँ भिंडी भी आई और कोमलता से अनूठे स्वाद की प्रशंसा करते बोली, मेरा तो कुछ और ही है, अनूठा मतलब बहुत ही निराला, यानी कीमती। आप बोलते हैं वैसे, देखो मैंने यहाँ बताया है अनूठा मतलब निराला। कहते मम्मी की सब्जी तो सबको अच्छी लगती है, सब बच्चे बोलते हैं मेरी मम्मी तो आलू और भिंडी की सब्जी बने तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी सब लोग नहीं खाते लेकिन भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है। वैसे उसे बोला मैं तो कोमल कोमल हूँ, ऐसी पतली पतली हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। और उसी प्रकार करेला बैठा हुआ वो बोलना ही रहा था, उसे चू बैठा था, वो बोलना ही जा रहा था कि उसके बीच में टमाटर आ गया। क्या बोला? वो आके बैठ गया, बोला अरे बीच में रोक दिया, तेरा नाम तो सुनते ही बच्चे दूर भागेंगे। जैसे करेला बेचारा बोलने आया कि मैं हूँ, तभी तो टमाटर कूद के आ गया, बोला रहने रहने तो तुम्हारी बात मत करो, तुमसे तो बच्चे बूढ़े सब भागते हैं, दूर रहते हैं, तुम्हारा साल और तुम्हारा नाम सुन के बच्चे भाग जाते, ऐसा बोल दिया। तभी वो टमाटर बोला नहीं नहीं मेरा तो कितना खट्टा मीठा स्वाद है, सब बच्चे इसमें नमक सब मिर्चा लगा के खाते हैं, उसी प्रकार उसे प्यारा लगता है। यह बात सुनकर तो करेला चिल्लाया और बोला सिर्फ रंग थोड़ा अच्छा रहता है, मेरा तो आरोग्य लिए के बहुत अच्छा है, जैसे कुछ भी बीमारियां हो तो मेरा जूस पीने से अच्छा हो जाता है। हाँ, वो बात सही है, मधुप्रमेह की जो बीमारी होती है उसमें तो करेला का जूस ही पीते हैं तो उससे उनकी जो क्या बोलते हैं शक्कर होती है ना, शक्कर का अंदर लोही में प्रवाह होता है वो कम हो जाता है, उससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हाँ, लेकिन सबको तो ऐसा नहीं अच्छा लगता, कड़वा स्वाद किसी को अच्छा लगता है, दवाई किसी को पीनी अच्छी लगती है नहीं लगती। आपको भी जैसे करेले की सब्जी बनाई हो ना तो घर में कूद कूद के बोलते हो नहीं खाने का नहीं खाने का, तो वैसे ही ये करेले की बात है। लेकिन करेला का रंग रूप मत देखिए और उसको करेले की सब्जी खानी ही चाहिए, जिससे अपने शरीर में कड़वास भी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में सभी स्वाद जाएंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से ये जो यहाँ पर दिया गया है पाठ, उसमें बताया हुआ है कि सभी सब्जियाँ खाने से शरीर में सभी स्वाद जाते हैं, उनके सभी आरोग्य अच्छे रहते हैं। हमें ये ध्यान में रखकर सभी सब्जियाँ खानी चाहिए।
अच्छी नहीं है, बच्चे को ये ध्यान में रखना चाहिए। बस आगे उसने बोला, अच्छा ठीक है बीमारियों के लिए मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार क्या आया, खट्टा जैसे सब्जी आती है बैंगन, वो आया। उसकी कलगी ऐसे होती है और बड़ा सा ऐसा दिखता है। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब में अपने अपने स्थान पर उपयोगी हो। हाँ वो बात तो सही है, सभी मिलजुल कर रहना चाहिए। देखो सबसे आखिर में जो कलगीदार आया उसने बता दिया कि सब अपने अपनी जगह बराबर है, उसके सबके गुण अच्छे हैं और उसे सबको स्वास्थ्य के लिए सही चाहिए और सबको मिलजुल रहना चाहिए। किसी के साथ ऐसे नोक झोंक करने से, झगड़ा करने से अच्छी बात नहीं है। हाँ उसी तरह यहाँ पर गाजर, गोभी, शकरकंद, मिर्ची, ककड़ी, शिमला मिर्च, वो सब मिलाकर कचूमर बनता है। जैसे बीट, वो सब का कचूमर बना के खाते हैं शादी में लोग जाते हैं, बीट होती है, कचूमर सब रखे हुए तो शिमला मिर्च भरी हुई है तो वे अच्छी लगती है, हम लोग लेते हैं। घर में भी मम्मी बनाती है, आपको खाना चाहिए। अगर आपको खाएंगे तभी मम्मी बनाएंगे ना, ऐसे आप नहीं खाओगे तो नहीं बनाएंगे। आप जब भी सब्जियाँ लेने जाओ तो ये सब बात सुनकर ध्यान में रखना कि ये सब्जी मम्मी तुम लेके आना तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा रहेगा। बस उसी प्रकार की सब्जी बन भात होती है, मिर्ची, धनिया और अदरक जैसे वो भी मसाले में रसोई में स्वाद करते हैं। हाँ यहाँ पर जो हम लोग इस ये समय है, ये समय में हमें कोरोना से बहुत भय होता है, लेकिन इस समय में हम लोग आलू, अदरक, अपने इलायची होती है, मरिया, लविंग, तज, उसका सब काढ़ा पीते हैं। वो काढ़ा पीने से शरीर में जो गर्माहट होती है, जो रोगकण होते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। हमें ये सब पीना चाहिए। और इसी प्रकार हमें यहाँ पर भी बताया हुआ है कि वो स्वाद और खाने में सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हमें साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे को नोकझोंक करके और चर्चा करके हमें झगड़ना नहीं चाहिए। इतने में ही मिलकर जाग गए, ये सब आवाज आती थी हमको तो पता ही नहीं था, लेकिन ये आवाज सुनी, इसमें उनके दोपहर का समय था, आराम का वक्त पूरा हो गया, एकदम जाग गए, क्योंकि उनको भी काम करना होता ना खेत में। वो जागे, जैसे ही वो जागे तो सब्जियां इधर उधर इधर उधर भाग के छुपे। जैसे आप लोग मस्ती करते हो तो जैसे हम लोग क्लास में आते हैं टीचर आते हो जैसे आप शांत बैठ जाते, उसी प्रकार ये सब्जियां भी जैसे ही उबिल जा जाए शांत के बैठ गए, जाके अपने अपने वहां पर बैठ गए। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पे जा बैठी, शकरकंद, आलू, गाजर भी जमीन में जा गए और मिट्टी में भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे में आ गए। जैसे देखो यहाँ पर मैंने समझाया है उसी प्रकार पाठ में भी पौधे पर होती है सब्जियाँ, जमीन में होती है सब्जियाँ और कहाँ पर होती है, बेलों पे होती है। बेलों पे होने वाली चीज वो सब्जियाँ कौन कौन सी है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सब्जियों की सब नाम बताया, लेकिन बेलों पे होती है वो ककड़ी, लौकी और टिंडोड़े, फिर क्या बोलते हैं उसे, करेला, वो सब बेलों पे होती है। शकरकंद, आलू, बीट और वो गाजर सब जमीन में होते हैं, यानी जमीन के अंदर होते हैं, उसके पौधे आगे निकलते हैं। और वो जो मटर, बैंगन, भिंडी होती है वो उसके छोटे छोटे पौधे होते हैं, उस पौधे पे होते हैं, डाली पे छिल गए, जैसे तो अपने काम में मशगूल हो गए। देखो इस प्रकार ये बात हमें ये समझाते हैं कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, हमें सब्जियों का क्या महत्व है वो हमें समझाया गया है। देखो आज मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हैं, जो पार्ट समझाए उसी हिसाब से बोला, यानी बीज को मिट्टी में रोपना, यानी बाप को अपने के पीछे ये लिखे। दोपहर का समय मतलब मध्याह्न, सुबह और शाम दोनों के बीच में जो एक से दो के बीच में उसे मध्याह्न कहते हैं। शब्दार्थ यानी सर्वश्रेष्ठ, सत्ता यानी माध्यम जो विद्यार्थी उन्हें शब्दार्थ कहते हैं वो नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हम किसी को बोलते कि सर्वश्रेष्ठ हमारे क्लास में जिसे बहुत ही अच्छा अच्छा मार्क्स लाए हैं तो बोलते हैं वैसे ही सरताज बताया हुआ है। वो क्या बोले, सरताज किसे बोला है, आलू को बोला है। और फुला, फुला तो अपनी काफी मम्मी बनाती है, सब सब्जियां डाल के चावल में बनाती है वो, उसे एक प्रकार की व्यंजन यानी बनाने खाने की चीज होती है। हलवा यानी मिठाई, जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं, लौकी का हलवा और सूजी का भी हलवा बनाते हैं। सूजी का हलवा बनाने कैसा मालूम है आपको, सूजी होती है उसमें शक्कर होती है, दूध होता है, घी होती है और बादाम का जो पिस्ता सब रहता है वो सब डालते हैं, उसे हलवा बनता है। स्वस्थ या तंदुरुस्त रोज, हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। ये कोरोना का रोग है, इससे स्वस्थ रहने के लिए हम क्या क्या करते हैं, घर में रहते हैं, मास्क पहनते हैं, ये सब करने के लिए शरीर को तंदुरुस्त रहना चाहिए। और हाँ तंदुरुस्त रहने के लिए
अच्छा भोजन भी करना है और सात्विक भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 50 यानी स्वाद, जो हमें स्वाद में ही लगता है, हमें बुखार आता है या छोड़ जाता है तो हम लोग खाने में अच्छा नहीं लगता, यानी सब फीका फीका हमें कड़वा कड़वा लगता है, तो वो कड़वाई होती है उसमें कुछ अच्छा स्वाद हो तो अच्छा लगे ना, वो स्वाद नहीं है जिससे स्वाद ही नहीं फीकी फीकी लगती है, यानी मिर्ची के बगैर स्वाद नहीं लगता है। मैंने अभी अभी आपको समझाया पाठ में मिर्ची कूद के आ गई थी कि हमें फीकी लगती है, उसी प्रकार अनुधान क्या है ना, निराला निराला कुछ अलग ही होता है, बहुत अच्छा होता है, काफी है पर्याप्त, हमें ये अच्छा लगता है कि ये बराबर है या काफी है कि हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, ये पर्याप्त है। ज्वर यानी बुखार भी मैंने समझाया कि ताप, आपने दूसरे शब्दों से बोले ताप आयो, बस इसी तरीके से बुखार कहते हैं, ज्वर यानी अपने शरीर में गर्माहट हो जाती है। आखिर यानी मजेदार यानी स्वादिष्ट, बहुत अच्छा लगता है हलवा बनाना, दो मुंह में पानी आ जाता है, चाट के चिप्स खाने में भी अच्छा लगता है, वैसे मुझे पानी आ जाता है स्वादिष्ट होता है, जितने यानी स्वाद होता है। अनुमान वाले ने मुझे बहुत पसंद है, क्या पसंद है आपको पता है, आपको मीठी चीज ज्यादा पसंद है, चॉकलेट पसंद है ये सब खाने में, और बाहर का पिज्जा पास्ता वो सब तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन वो सब खाने से अच्छा है ये सब सब्जियाँ खाए। देखो अब मुहावरे समझा रही हूँ, मुहावरे यानी नॉक चौक करना यानी छेड़छाड़ करना, उग्र चर्चा करना, दोनों सब्जियां साथ में मिलकर जो उग्र चर्चा करें उसके बारे में बताएं हमें, हम लोग को छोटी छोटी बातों में उग्र चर्चा करते हैं, वो झगड़ना नहीं है, चर्चा करना है, नहीं ये अच्छा है नहीं वो अच्छा है, ये खाना अच्छा लगता है, ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा है वैसे लगता है, उसी प्रकार बात करना यानी बीच में बोलना। हम लोग जब घर में जाते हैं तो माँ बाप यानी दादा दादी कुछ बात करते हो तो बड़े बात करते हो, हम बीच में बोल देते हैं तो कुछ ऐसा है तो अपने पापा और मम्मी में बोल देते, बीच में नहीं बोलने चाहिए, दो बड़े बात करे तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, उसी प्रकार का ये बात काटना है, हम लोग को कोई भी बात अच्छी लगे तो बात काट देते हैं, उससे बात काटना देते हैं, यानी बीच में बोलना, मुँह में पानी आ जाना यानी खाने की तीव्र इच्छा हो, हम लोग बाहर जाते हैं और कोई पानी पूरी देख कर तो मुँह में बहुत पानी आता है, पिज्जा पास्ता देख के ही, और वो तो बटर का खाना पनीर टिक्का वो सब अच्छा लगता है, वो मुँह में पानी आना वो बात बताई हुई है। जो अब हमने ये पार्ट समझाया उससे आगे हमने यहाँ पर एक चित्र दिखाई दिया, देखो यहाँ पर सब्जी मंडी का चित्र है और उस चित्र के हिसाब से आपको ये वाक्य लिखने का है, जैसे ये देखो यहाँ पर एक औरत है वो सब्जियाँ बेच रही है, लड़का ले रहा है और यहाँ फल की दुकान है, ये भी सब्जी की दुकान है, यहाँ पर एक खटेरा वाला खड़ा है उसको लेके जाता है लॉरी में, वो सब बिक रहे हैं, वो सब्जी ले रहे हैं, कुत्ता यहाँ खड़ा है, और यहाँ पर जो मैंने समझाया पाठ में उसी प्रकार के आपको हरे रंग की सब्जियाँ कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है, कौन कौन सब्जियाँ स्वाद में कड़वी होती है वो तो आपको पता ही है, आप उस प्रकार लिख सकेंगे, और इसी इकाई में कौन सी सब्जियाँ के नाम नहीं है वो भी आप लिखोगे, मैंने पाठ बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया जो आपको आता ही है, क्या लिखना है, हलवा बनेगा या लौकी का हलवा कौन सा चीज की जरूरत होती है वो भी मैंने समझाया कि हलवा बनेगा गाजर के अलावा कौन कौन सी है, दूध चीनी और घी वो सब शक्कर की जरूरत होती है, इसे फल बताइए जिससे सब्जियां बन जाती है वो आप बताएं कौन से फल है जो आपकी सब्जियां बनती है, वही उसी प्रकार ये है, देखो ये चित्र है इसमें पेड़ के चित्र, उसमें एक हाथी है जो पेड़ के पास वो पाने के पत्ते खा रहा है, तो पेड़ बोला कि मेरे पत्ते मत खाओ इसे तोड़ डाली मत तोड़ो इससे सब लोग आएंगे, तो उसे गुस्सा आया और ये ऐसा बोला कि नहीं मैं सब तोड़ डालूंगा, लेकिन पेड़ ने बताया मैंने यहाँ जब गर्मी आओगे तो आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा, आप ऐसे मत तोड़ो डाली को आप खाओ लेकिन शादी से खाओ, गुस्से आ गए उसे तोड़ता रहे, उस प्रकार फिर बहुत दिनों के बाद गर्मी आ गई, गर्मी आई तो वो व्याकुल हो गया, तब उसने पेड़ ने बोला आओ मेरी छांव में बैठो, और उसी प्रकार हाथी को अपना पछतावा हो गया, अच्छी तरह से बैठते थे वो, दिखाओ ना वो पत्ते तोड़ के खाता है, फिर तोड़ रहे बोला पेड़ मेरा तोड़ो नहीं, यहाँ पर हाथी उसी प्रकार आप वो कहानी लिखोगे। देखो बा पीछे ने वो दो चित्र बताए हुए हैं, दोनों चित्र का आपको वर्णन करना है, जैसे कि यहाँ पर बकरी है मोर है दोनों बच्चे खेल रहे हैं खेत में जा रहे हैं, और ये है जो वो फल सब्जियाँ खरीद रहा है और बेच रहा है, बेच रहे इकट्ठा करे सब सब्जियाँ और यहाँ पर बीज बोई थी वो वहां से यहाँ ले रहा है और ये खेत में काम कर रहे हैं, यहाँ मोर बैठा हुआ है यहाँ पर बकरी खेल रही है, देखो यहाँ पर वो पहले का जो चित्र होता है उसी प्रकार का है। आप ये पाठ के सारे स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर आप लिखोगे, जैसे देखो हमने यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न लिखे हैं, आप देखो यहाँ चाचा कहाँ आराम कर रहे थे तो मैंने समझाया कि चाचा पेट की छाया में
दिखाने आएंगे जब होमवर्क पूरा हो जाए उसके बाद। नमस्कार।